जहां देश में 15 अगस्त को आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं उत्तराखंड का एक गांव अंग्रेजों की गुलामी के बाद अब राज्य सरकार की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उत्तराखंड राज्य के जिला हरिद्वार के हजारा टोंगिया गांव के लोग आज भी आजादी का जश्न देखने के लिए तरस रहे हैं। आज हम ऐसे गाँव की तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इस गाँव में न तो बिजली है, न शौचालय, न ही पक्के मकान और न ही शिक्षा। यहाँ की औरतों को शौचालय जंगल में जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग आजादी के बाद भी गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों की गुलामी की और अब भ्रष्टाचारी नेताओं की गुलामी करनी पड़ रही है। अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसे दम ही तोड़ना पड़ता है। यहाँ रास्ता तक नहीं है, ये राज्य सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गाँव को भ्रष्टाचारी नेताओं को वोट देने का अधिकार है और वो वोटिंग के बाद गाँव में नजर तक नहीं आते। समस्या तो यहाँ सारी है, किस तरह की? लाइट की है और स्कूल की है, सड़क की है, पक्के मकान नहीं है, लाइटिंग बाथरूम नहीं है और छोटे छोटे बच्चे स्कूल बाहर जाते हैं नदी पार करके, उनके लिए भी समस्या खड़ी। नदी में बच्चा बह गया, आते जाते समस्या ही समस्या है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।